तो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सेल शेयर के बारे में बात करेंगे। जो शेयर का प्राइस है यहाँ पे 85.55 रुपये है और इस शेयर में आज हमें जो है 0.47% तक के रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिले हैं। आगे हम इस शेयर के प्रीवियस रिटर्न्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 मंथ में जो शेयर है उसमें हमें 3.70% तक के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। साथ ही अगर हम मैक्स में ऑल टाइम की यहाँ पर बात करते हैं तो ऑल टाइम में इस शेयर से हमें जो है 1,325.83% तक के यहाँ पे हमें इस शेयर से जो है ऑल टाइम में पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। आगे हम इस शेयर के थोड़े बहुत यहाँ पे लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से हम यहाँ पे इस शेयर के रिटर्न्स को देखते हैं तो यहाँ पे जो शेयर है इसमें हमें 2 ईयर 1 ईयर और 3 मंथ्स में जो है नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। और साथ ही हमें जो यहाँ पे शेयर है उसने 5 ईयर 3 ईयर 6 मंथ और 1 मंथ और 1 वीक एवरेज के टाइम फ्रेम में इस शेयर ने हमें यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि जो शेयर है उसमें हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से नेगेटिव और पॉजिटिव रिटर्न्स दोनों ही देखने को मिले हैं। आगे हम इस शेयर के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो शेयर है उसमें हमें धीरे धीरे अप ट्रेंड की तरफ हमारा यहाँ पे जो मूव है वो बढ़ता हुआ दिखाई देने को मिल रहा है। अगर जो शेयर है वो यहाँ पे अप ट्रेंड की तरफ यहाँ पे अपने पहले रेजिस्टेंस लेवल को हिट करता है तो इस मंथ तक का जो टारगेट है शेयर का वो 85 रुपये से यहाँ पे अबव हमें देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ये शेयर है और आप इस शेयर को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से अपने ओन रिस्क में होल्ड करके रखना चाहते हैं तो आप इस शेयर को यहाँ पे अपने ओन रिस्क में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये जो शेयर है वो लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से और शॉर्ट टर्म के प्रस्पेक्टिव से दोनों ही प्रस्पेक्टिव से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है।